नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 8 जनवरी 2023 दिन रविवार, आइए एक नजर डालते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। कड़ाके की ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों का अवकाश घोषित किया हुआ है। स्कूल खुले तो संचालकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। CM मनोहर लाल ने चिरायु योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। लाभार्थियों ने कहा मुफ्त इलाज की सुविधा देकर उनका जीवन किया सरल। हरियाणा में नशा तस्करों की खैर नहीं, ADGP श्रीकांत बोले हर डाटा हॉक सॉफ्टवेयर में अपलोड, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी ध्वस्त। मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी पर अड़ी आम आदमी पार्टी, सड़कों पर उतरकर आवाज घेरने निकले, पुलिस ने आप नेताओं को हिरासत में लिया। हरियाणा के मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच के फटे कपड़े जब्त किए। संदीप सिंह के खिलाफ एक और धारा यानी IPC की धारा 509 भी जोड़ दी गई है। सांसद सुनीता दुग्गल का भारत जोड़ो यात्रा पर कमेंट, बोली राहुल गांधी इसका नाम कांग्रेस जोड़ो रखें, सभी नेताओं को एक मंच पर लाएं। MVN यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश व समाज भी आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने ब्रह्म सरोवर सन्निहित सरोवर सहित कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 से 31 जनवरी तक होंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की दो खिलाड़ी चयनित, नवनीत कौर बनी उप कप्तान जबकि रानी रामपाल को सामान्य खिलाड़ी के रूप में लिया गया। अब खबरें विस्तार से। मौसम अपडेट, हरियाणा में ठंड अपने चरम पर, नौ और गुरुग्राम का पारा माइनस में पहुंचा, जानिए आगे कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। शनिवार को हरियाणा NCR दिल्ली में नौ और गुरुग्राम का पारा माइनस में पहुंच गया है। NCR दिल्ली में नए साल 2023 से लगातार हाड कपाने वाली ठंड, शीतलहर और साथ ही कोहरे का सितम भी जारी है, लेकिन आने वाले 5 दिनों के दौरान संपूर्ण इलाके में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उछाल देखने को मिलेगा और आफत भरी गंभीर शीतलहर से आमजन को राहत मिलने की संभावना बन रही है। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो हिमालय से उत्तरी ठंडी बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों विशेष कर हरियाणा NCR दिल्ली पर बना हुआ है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन तापमान लुढ़क रहा है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ 8 जनवरी से 10 जनवरी और 12 जनवरी को सक्रिय होने जा रहे हैं, जो प्रचंड ठंड के खेल को बिगाड़ देंगे और आमजन को आफत भरी ठंड से राहत मिलने वाली है। 13 जनवरी के दौरान हरियाणा NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर बादल देखने को मिलेंगे और पंजाब से सटे हुए हरियाणा के उत्तरी जिलों में सीमित स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन रही है। हरियाणा NCR दिल्ली में 14 जनवरी से 18 जनवरी के दौरान गंभीर शीतलहर, पारा गोते लगाने लगेगा, कोल्ड डे और हाड़ कपा देने वाली प्रचंड ठंड, कोहरा पाला जाने की स्थिति आदि ठंड का नया दौर देखने को मिलेगा। तापमान गिरने से आम जनजीवन के साथ साथ सब्जी की फसलों पर बड़ा खतरा। तापमान नीचे पहुंच जाने से आम जनजीवन में कंपकपी छूट रही है तो फलदार पौधे और सब्जियां भी प्रभावित हो रही हैं। कृषि विशेषज्ञों ने धुंध तथा पाले को देखते हुए खेतों में खड़ी फसलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हालांकि तापमान गिरने के बाद पाले की आशंका बनी हुई है, तापमान न्यूनतम स्तर पर है, पाला पड़ने से सब्जी व फलदार फसलों को भारी नुकसान तथा पैदावार में भारी गिरावट आएगी। पाले से सरसों, मटर, आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, गन्ना, पपीता, नींबू और आम आदि फल वृक्षों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। इससे बचाव के लिए फसलों, बाग तथा सब्जियों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पानी देने से भूमि व फसलों का तापमान बढ़ जाता है तथा पाले व ठंड के असर को इस तरीके से कम किया जा सकता है। सरसों, मटर, आलू, टमाटर तथा पत्तेदार सब्जियों को पाले से बचाने के लिए देर रात तक खेत के उत्तर व पश्चिम दिशा में घास फूस जलाकर धुआं कर देना चाहिए। धुएं की परत छा जाने से पाले को पौधे पर गिरने से रोकती है। नर्सरी में प्याज, मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि सब्जियों की पौध को रात में धान की पराली, टॉप या पॉलीथीन से ढककर रखना चाहिए ताकि भूमि का तापमान कम नहीं हो पाए। दिन में धूप के समय इन्हें हटा दें ताकि पौधों अच्छे से धूप मिल सके। भिवानी में JP दलाल ने सुनी जन समस्याएं, राहुल गांधी के 72,000 डालने वाले बयान पर बोले जहां सरकार वाहन लागू करके दिखाएं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने राहुल गांधी की यात्रा पर पलटवार करते हुए उनके किसानों को 72,000 रुपए देने के दावे पर कटाक्ष किए, साथ ही SYL को लेकर केजरीवाल को घेरा और गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर चलाए आंदोलन पर कहा कि फैसला किसानों के हक में हो। शनिवार को कृषि मंत्री JP दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पढ़ाई बाहर हुई है और उनका जीवन SPG के घेरे में बीता है। अब राहुल जब बाहर निकलते हैं तो जितने दिन यात्रा करेंगे उन्हें देश की उतनी ही जानकारी होगी। वहीं राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस सरकार बनने पर न्याय योजना लागू कर हर गरीब किसान व मजदूर के खाते में हर साल 72,000 रुपए डालने की बात पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल यह योजना वहां लागू करके दिखाए जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है, साथ ही ये फ्री योजना में पैसे बांटने वाले बताएं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। हरियाणा बोर्ड अपडेट, बोर्ड परीक्षाओं में कम रिजल्ट वाले स्कूल मुखियाओं से SCS करेंगे जवाब तलब। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में रिजल्ट खराब को लेकर गंभीर हो गया है। शिक्षा विभाग ने 10वीं में 25% तो वहीं 12वीं क्लास में 50% से कम रिजल्ट वाले स्कूल मुखियाओं को SCS ने तलब किया है। शिक्षा विभाग के SCS विभाग के निदेशक इस तरह के मुखियाओं से 12 जनवरी को ऑनलाइन जवाब तलब करेंगे, साथ ही कारण भी जानेंगे कि रिजल्ट किन कारणों से खराब रहा, भविष्य में इस रिजल्ट को किस तरह से सुधारा जा सकता है। 12 जनवरी को होने वाले सीधे संवाद में इस तरह के स्कूल मुखियाओं की हाजिरी
बेहद जरूरी की गई है। अगर कोई मुखिया उक्त बैठक में शामिल नहीं होगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। शिमला मसूरी से ज्यादा ठंडी दिल्ली, देश भर में 46 फ्लाइट डिले हुई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट जारी। देश भर में शीतलहर जारी है। माइनस तापमान वाले पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के कई शहरों में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिल्ली में शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंड रही। यहां का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 3 और मसूरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और जम्मू में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली 34 फ्लाइट डिले हुई। इसके अलावा देश के अन्य इलाकों से 12 फ्लाइट्स के समय में देरी की सूचना मिल रही है। आईएमडी के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है। 10 जनवरी को हिमालय में सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं 13 जनवरी तक यूपी और राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। इसी वजह से 14 जनवरी से राज्य के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सर्द हवाओं के आने से सर्दी और बढ़ जाएगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के सदस्यों ने गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर शनिवार को तीसरे दिन भी सरस्वती शुगर मिल में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने शुगर मिल में 2 घंटे गन्ना पेराई के कार्य व तोल को ठप रखा। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीसरे दिन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने किया। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि गन्ना के मूल्य में जल्दी सरकार ने वृद्धि नहीं की तो किसान आंदोलन सरकार के गले की फांस बन जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल में 9 जनवरी तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की तो 10 जनवरी को करनाल में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में आंदोलन की सबसे बड़ी घोषणा की जाएगी, जिसके बाद किसान आंदोलन सरकार के गले की फांस बनेगा, जो सरकार को सत्ता से बेदखल करके दम लेगा। चढ़ोनी ने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों का शोषण किया जा रहा है। आज किसान बेहाल है, वह अपनी फसलों के लागत के अनुरूप मूल्य घोषित करवाने को लेकर दर दर भटक रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर है, मगर सरकार किसानों के बारे में मूक हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग रखी है। हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल गांधी पर तंज। अनिल विज बोले, कांग्रेस उन्हें बड़ा सिद्ध करने में जुटी, टी शर्ट में शीत लहरों में घुमा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पर तंज कसा है। अनिल विज ने ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी को काली सफेद दाढ़ी लगाकर आधी कमीज पहनाकर शीत लहरों में घुमाकर कांग्रेस यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चा नहीं रहा, वह बड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे फेज में शनिवार को करनाल पहुंच गई है। 8 जनवरी यानी आज राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में और 9 जनवरी यानी कल शाहबाद में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। इसके पश्चात 10 जनवरी की सुबह 6 बजे से अंबाला कैंट से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी। राहुल गांधी अंबाला कैंट और सिटी को कवर करते हुए शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंट्री करेंगे। संदीप सिंह से वापस लिया गया खेल विभाग, गवर्नर ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीएम देखेंगे खेल और युवा मामले का पोर्टफोलियो। जूनियर महिला कोच के आरोपों से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से खेल विभाग वापस ले लिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खेल और युवा मामले का पोर्टफोलियो आवंटित किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य मंत्री संदीप सिंह खेल और युवा मामलों के पोर्टफोलियो का संचालन नहीं करेंगे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह अभी भी मंत्री हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा खेल और युवा मामले के विभाग वापस ले जाने के बाद भी उनके पास 2 विभाग बचे हुए हैं। संदीप सिंह अभी मंत्री पद पर बने रहेंगे, उनके पास अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग बचा हुआ है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक संदीप सिंह मंत्री बने रहेंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, करनाल में 24 किलोमीटर चले राहुल गांधी, कबड्डी मैच देखा, इंटरनेशनल बॉक्सर साथ चले तो वहीं एमएलए को चोट लगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को करनाल जिले में 24 किलोमीटर का सफर तय करते हुए एनडीआरआई चौक पर जाकर समाप्त हो गई। यात्रा के दोनों सेशन में कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली। सुबह राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के डॉग लूना को यात्रा में पैदल सैर कराते दिखाई दिए, तो वहीं सुबह के वक्त यात्रा में शामिल एमएलए किरण चौधरी का पैर फिसलने से वह चोटिल भी हो गई। राहुल की यात्रा में इंटरनेशनल बॉक्सरों ने भी शिरकत करते हुए उनके साथ कदम ताल किए। यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी गांव कम्बोपुरा में चल रहे हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों के कबड्डी मैच को भी देखने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह, स्वीटी बोरा, दीपक निवास हुड्डा व प्रदीप नरवाल भी साथ चले। इससे पहले राहुल ने ठहराव वाली जगह पर 20 से ज्यादा खिलाड़ियों से मुलाकात कर करीब 1 घंटा खेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
चाबरी इंटरचेंज के पास जींद सोनीपत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने व उतरने के लिए रास्ता बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा चाबरी और भिड़ताना के बीच हाईवे के नीचे अंडरपास निर्माण को लेकर खुदाई भी शुरू कर दी गई है। यह कार्य पूरा होने पर 20 से ज्यादा गांव के लोगों को रास्ता मिलने के बाद फायदा पहुंचेगा। चाबरी इंटरचेंज की सर्विस लेन पर ही एंट्री और एग्जिट होंगे, इसलिए बिना टोल दिए कोई भी वाहन नहीं गुजर पाएंगे। हाईवे पर एंट्री और एग्जिट की मांग को लेकर पिछले 115 दिन से चाबरी भिड़ताना समेत करीब 2 दर्जन गांव के लोग धरना दे रहे थे। चाबरी और भिड़ताना में तो बहिष्कार के चलते पंचायती चुनाव तक नहीं हो पाए थे। आखिरकार ग्रामीणों की मांग अब पूरी हो गई है। दोनों तरफ 18-18 फीट चौड़ा रोड बनाकर इंटरचेंज की सर्विस लेन में मिलाया जाएगा। 1 महीने में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा चाबरी और भिड़ताना के बीच हाईवे के नीचे अंडरपास का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में 24 घंटे में 214 नए केस तो वहीं 4 मौतें हुई। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 214 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 2509 पहुंच गई है। चीन के महामारी विशेषज्ञ जेंग गुआंग का दावा है, यहां के हर शहर के लगभग 50% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चीनी हेल्थ एजेंसी से लीक हुए डॉक्यूमेंट में भी यह बात सामने आई थी कि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के 25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। जापान में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। जापान टाइम्स के मुताबिक यहां शुक्रवार को 456 लोगों की मौत हुई है। राजधानी टोक्यो में ही 20,720 मामले सामने आए हैं। अब भी कोरोना से संक्रमित 650 मरीजों की हालत गंभीर बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पिछले 1 हफ्ते में ओल्ड एज होम्स में रहने वाले 100 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो 738 लोग अब भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वर्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में अब तक 66,75,23,076 मामले सामने आ चुके हैं। 11 जनवरी 2020 को चीन के वुहान में 61 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। यह दुनिया में कोरोना से होने वाली पहली मौत थी। इसके बाद मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब तक 67,04,741 मौतें हो चुकी हैं। अब तक 17 देशों ने चीन के यात्रियों पर अपने देशों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट 2023 अपडेट, महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर, यहाँ मिल रहा है तगड़ा ब्याज। नए साल के शुभ अवसर पर श्रीराम फाइनेंस ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी दरों में संशोधित किया है, जिसमें महिला वरिष्ठ नागरिक खाताधारकों को 9.36% तक ब्याज की पेशकश की गई है। बता दें कि श्रीराम फाइनेंस हिंदुस्तान में सबसे बड़े खुदरा NBFC में से एक है। NBFC द्वारा नए साल से ब्याज दरों में 5 से 30 आधार अंकों का इजाफा किया गया है। संशोधित दरें 12 से 60 महीने तक की अवधि के लिए लागू होंगी। बता दें कि श्रीराम फाइनेंस एक NBFC और श्रीराम ग्रुप का एक भाग है। NBFC द्वारा दी जाने FD भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होती है। हालांकि इन जमाओं पर RBI के नियमानुसार नियमित बैंकों द्वारा दी जाने वाली 5 लाख रुपए की जमा बीमा गारंटी का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए जमाकर्ताओं को NBFC द्वारा दी जाने वाली FD योजना में निवेश करने से पहले सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। क्या आपने भी ले रखी है कोई बीमा पॉलिसी, तो इन नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बीमा पॉलिसी के मैच्योर होने पर उसके रकम को हासिल करने के लिए इंश्योरेंस लेते समय मिले डॉक्यूमेंट को जमा करवाना होता है। इन सभी कागजात के आधार पर ही बीमा कंपनी की तरफ से आपकी पॉलिसी की सत्यता की जांच की जाती है। कुछ जरूरी दस्तावेजों को चेक करके पॉलिसी की रकम ग्राहक यानी आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उन्हें नोटरी के पास जाकर हल्फनामा बनवाकर जमा करवाना होता है। अब साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में अब बीमा कंपनियां कुछ ऐसा करने जा रही हैं, जिसके बाद पॉलिसी के इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बीमा कंपनी भी इन डॉक्यूमेंट को नहीं लेगी। साल 2023 के आखिरी तक इंश्योरेंस कंपनियों को फिजिकल तौर पर रखे गए सभी पुराने बीमा प्रोडक्ट को डिजिटल रूप में तब्दील करना होगा। IRDA यानी IRDA की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों की बात करें तो इसके अनुसार साल 2023 के खत्म होने तक सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद नई हो या फिर पुरानी, सभी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी 100% डिजिटल हो जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ही दूसरे बीमा क्लेम के निपटारे के लिए भी सभी क्षेत्रों में क्लेम सेंटर खोले जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के तर्ज पर ही सभी बीमा क्लेम के अधिकतम 30 दिनों में निपटारा करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। सरकारी नौकरी अपडेट, भारतीय स्टेट बैंक में 1438 पदों पर निकली भर्ती, 10 जनवरी तक करें अप्लाई, इंटरव्यू शो होगा सिलेक्शन। भारतीय स्टेट बैंक में क्लेरिकल से लेकर ऑफिसर के पदों यानी SBI रिक्रूटमेंट 2023 पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्तियां नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, महाराष्ट्र और चेन्नई समेत कई राज्यों के सर्कल के लिए निकाली गई है। योग्य उम्मीदवारों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। उनका सर्विस के दौरान ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। रिटायर्ड कर्मियों पास संबंधित क्षेत्र में अनुभव और एरिया में काम करने की कॉम्पिटेंसी जरूरी होनी चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 10 जनवरी 2023 तय की गई है। उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो 22 दिसंबर 2022 को 63 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चयन अप्लाई किए गए सभी फॉर्म को शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।
सरकारी भर्ती अपडेट, यहाँ हम आज आपके लिए 5 सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं। 32 साल तक के कैंडिडेट के पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने का मौका है, तो वहीं 40 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट MECON लिमिटेड में 4 तरह की नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही 10वीं पास के लिए IRCTC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है। 12वीं पास कैंडिडेट के पास UP SSSC में जूनियर असिस्टेंट बनने का मौका है, तो वहीं BPCL में सीनियर मैनेजर की भर्ती निकली है। सैलरी 50,000 रुपए तक महीना हो सकती है। यदि कोई भर्ती आपकी क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है तो तुरंत अप्लाई करें। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 91 रनों से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती है। दोनों टीमों के बीच अब तक भारत में 6 सीरीज हो चुकी है, इनमें से सिर्फ एक ड्रा रही है जो साल 2009 में खेली गई थी। आज खबरों बस इतना ही, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।